यहाँ मुठभेड़ हुआ है प्रयागराज में, और एक पाल करके थे उमेश पाल को, आप सुने होंगे। हाँ, तो दिन दहाड़े मतलब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है प्रशासन फेल है? प्रशासन तो नहीं फेल है, अब ये कुछ लोग षड्यंत्र बना के जो कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, इनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से प्रशासन देगा। 2024 में चुनाव है, किसके पक्ष में आप लोग जा रहे हैं? उत्तराखंड से हैं। मैं तो अपना भविष्य के पक्ष, जो मेरा भविष्य अच्छा है इस समय, जो आप देख ही रहे, भाजपा के अलावा कोई भविष्य अच्छा नहीं। बगल में सटा पाकिस्तान है, आप देखिए उसमें जाइए, भूखे वो मर रहे हैं लोग। आज हमारे भारत का वो स्थिति है, हमारे भारत को कोई आँख नहीं दिखा सकता। पूरा उत्तराखंड ही मोदी जी के पक्ष में जा रहा, मोदी जी के अलावा कोई चेहरे ही नहीं है प्रधानमंत्री का। आप खुद सोचिए, हमारे राहुल जी ने वहाँ तिरंगा भी फहराया है कश्मीर में, ये आज सौभाग्य किसकी वजह से मिला आप बताएं मुझे? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला, बल्कि ये सौभाग्य किसी को, हम लोग खुद जाते थे डर के रहना पड़ा। आज उसी लेबर को 500 का नोट मिलता है, एक टाइम खाना मिलता है, तो महंगाई कहाँ है आप बताओ मुझे कहाँ? आप युवा हैं तो बेरोजगारी पे क्या करें? बेरोजगारी अपने कर्मों से। कहाँ से हैं भैया आप? मैं तो उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड? उत्तराखंड कब आए हैं? मैं तो पूरा माघ मेला से यही हूँ। पूरा माघ मेला से यही हूँ। पूरा माघ मेला से कैसा लगा आपको प्रयागराज? बहुत अच्छा लगा है प्रयागराज में, साफ सफाई भी, इतना बड़ा मेला, भव्य मेला होने के बाद भी इतनी अच्छी साफ सफाई, और यहाँ जो देख ही रहे, आप खुद ही देख रहे हो कितना शांतिपूर्वक, ना कोई लड़ाई, ना दंगा, ना कोई माहौल गलत। अभी कल यहाँ मुठभेड़ हुआ है प्रयागराज में, और एक पाल करके थे उमेश पाल को, आप सुने होंगे। हाँ, तो दिन दहाड़े मतलब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है प्रशासन फेल है? प्रशासन तो नहीं फेल है, अब ये कुछ लोग षड्यंत्र बना के जो कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, इनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से प्रशासन देगा। जी, एक एनकाउंटर हो चुका है अभी? जी बिल्कुल, उनका ड्राइवर मारा जा चुका है। बाकी के जो है वो प्रशासन अपने स्तर से संज्ञान में पूरा अच्छे से लिया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, 2024 में चुनाव है, किसके पक्ष में आप लोग जा रहे हैं? उत्तराखंड से हैं। मैं तो अपना भविष्य के पक्ष, जो मेरा भविष्य अच्छा है इस समय, जो आप देख ही रहे, भाजपा के अलावा कोई भविष्य अच्छा नहीं। आप बगल में सटा पाकिस्तान है, आप देखिए उसमें जाइए, भूखे वो मर रहे हैं लोग। आज हमारे भारत का वो स्थिति है, हमारे भारत को कोई आँख नहीं दिखा सकता। तो आप भाजपा, अखिलेश के बारे में क्या बोलते? मेरे यहाँ तो इनका कोई रोल ही नहीं है अखिलेश जी का, उत्तराखंड में कोई वो रोल नहीं है, कहाँ सीट पे, वो भी 0% में। उत्तराखंड में जो पिछली बार चुनाव हुआ है विधानसभा वाला, उसमें कांग्रेस और भाजपा का बढ़िया टक्कर देखने को मिला है, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड किसके पक्ष में जा रही है? पूरा उत्तराखंड ही मोदी जी के पक्ष में जा रहा, मोदी जी के अलावा कोई चेहरे ही नहीं है प्रधानमंत्री का। आप खुद सोचिए, कोई चेहरा उनके आगे, कोई चेहरे ही नहीं है, सारे चेहरा विफल है। भारत जोड़ो यात्रा जो हुआ है, उससे क्या लगता है कांग्रेस को फायदा होगा या? इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है भैया, लेकिन हम आपको एक चीज बता दें, इससे उनका खाली टाइम जो था ना, वो काटना तो है ही कैसे, और पैसा है उनके पास, इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है, ये मानिए आप। वो ये कोई यात्रा नहीं है, उस पैसे का दुरुपयोग, यात्रा में इन्होंने, हमारे राहुल जी ने वहाँ तिरंगा भी फहराया है कश्मीर में, ये आज सौभाग्य किसकी वजह से मिला आप बताएं मुझे? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला, बल्कि ये सौभाग्य किसी को, हम लोग खुद जाते थे डर के रहना पड़ता। आप जाओ, आप कहीं भी घूमो, हमारे उत्तराखंड से कुछ चीन की सीमाएं लगती हैं, वहाँ जाइए, आप देखिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कोई अंदर की तरफ आंख उठा के देख ले। अच्छा, बोला जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या लग रहा है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा? अच्छा भैया, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। ये भैया जी, अगर लेबरी पहले करते होंगे, या मैं ही पहले बिजनेस करता था, पहले अगर सस्ती चीज़ें मिलती थी तो कमाई भी कम थी। भैया को भी अगर लेबरी, एक अपना लेबरी उठा लीजिए आप, उसको जो है, वैसे हमारे यहाँ, मैं भी किसान भी हूँ साथ साथ में, 150-200 रुपये मिलते थे। आज उसी लेबर को 500 का नोट मिलता है, एक टाइम खाना मिलता है, तो महंगाई कहाँ है आप बताओ मुझे, कहाँ से रह गई? भाई अगर कोई चीज़ महंगी हुई है तो हमारी कमाई में भी तो इजाफा हुआ है। अच्छा, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? आप युवा हैं तो बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी अपने कर्मों से। अच्छा जी, मैं खुद कोई सर्विस नहीं करता हूँ, मैं यहाँ बिजनेसमैन हूँ, मेरा खादी ग्रामोद्योग का बिजनेस है, मैंने अपने साथ साथ कम से कम नहीं 30 लड़कों को और रोजगार दे रखा है। आप अगर कर्तव्य अपना अच्छे से निभाएंगे तो आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।